नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का अब जो है हम कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन होगा, यानी चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की खोजी की जाएगी। कमेटी AICC को अपनी रिपोर्ट देगी। जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम सामने आए, 29 की 29 सीटें BJP के खाते में गई, कांग्रेस को यहां पर निराशा हाथ लगी। तो आखिरकार क्या वजह है जो कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन रहा? कमी कहां पर आ रही है और कमियों को कैसे सुधारा जाए? इन सभी बातों को लेकर ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है और ये जो कमेटी है इसके मेंबर्स हैं, ये देखेंगे और ये जानेंगे कि चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की क्या वजह रही है, कहां कमी आ रही है पार्टी में। कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, इसके बाद जो है AICC को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आलाकमान भी सक्रिय नजर आ रहा है। और AICC ये रिपोर्ट मांगेगी, जिसमें ये होगा, ये पता होगा कि आखिर क्या वजह है जिसके चलते कांग्रेस को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। लोग कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहे, लोगों के दिल में क्या है, लोगों के मुद्दे क्या है। देखिए, ऐसी तमाम बातें हैं जो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के द्वारा पता लगाई जाएगी और इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर ये रिपोर्ट जो है AICC को देनी होगी। राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की खोजी जाएगी वजह। कमेटी AICC को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दुर्गेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। दुर्गेश, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा, खासकर अगर हम लोकसभा की बात करें, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए और जो परिणाम सामने आए वाकई कांग्रेस के लिए एक घोर चिंता का विषय है। 29 की 29 सीटें BJP ने जीती, कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीटें भी BJP ने अपने खाते में ले लिया और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे लेकर सक्रिय नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पार्टी द्वारा बनाई गई है। क्या है ये कमेटी, किस तरह से काम करेगी? बिल्कुल अस्मिता, देखिए जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए, देश भर में लोकसभा के चुनाव हुए, जहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या कांग्रेस मजबूत विपक्ष में थी, वहां भी लगभग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित लगभग 8 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को बुरी तरह शिकस्त मिली है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष दल की भूमिका में आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उससे इतर हुए। दरअसल अगर हम देखें मध्य प्रदेश की 29 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पास पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में एक सीट बची हुई थी छिंदवाड़ा। उसके पूर्व 2014 के जब चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, लेकिन जब 2024 के चुनाव हुए तो कमलनाथ का गढ़ और कांग्रेस पार्टी का गढ़, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि छिंदवाड़ा सीट हम जीत जाएंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो चौंकाने वाले थे। BJP यहां भी सुपड़ा साफ कर दी कांग्रेस का। अब जो मध्य प्रदेश सहित 8 राज्य हैं, उन राज्यों की पड़ताल के लिए, हार की समीक्षा के लिए आखिर क्या वजह रही, कौन से नेताओं की कमी रही और कौन से कारण हो सकते हैं जिन कारणों की वजह से जो 8 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरीके से स्थिति रही है, बुरा प्रदर्शन रहा है, उसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। अगर हम बात करें अस्मिता, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना तो BJP को मिले और ना ही NDA गठबंधन को, लेकिन NDA गठबंधन ने सरकार बनाई है, ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी चिंतित थी कि अगर कुछ सीटें अपनी आ जाती तो शायद ये कांग्रेस की सरकार बनाना संभव हो सकता था। अब ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है,
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश आएगी और मध्य प्रदेश में ये तीन जो सदस्यीय कमेटी है जिसमें पूर्व सीएम और सांसद और विधायक हैं, उनमें गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवाड़ी और उड़ीसा के सांसद सप्तगिरी उल्का और महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान का नाम है। मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश में जो है वो अपना सर्वे करेंगे, नेताओं से फीडबैक लेंगे, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं से जानेंगे, उसके साथ ही फील्ड में जाकर के जो कार्यकर्ता है जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या रही और आपके यहाँ किस वजह से कांग्रेस पार्टी को हार मिली। वो पूरी समीक्षा तैयार करेंगे, समीक्षा रिपोर्ट, और समीक्षा रिपोर्ट जो है वो AICC को भेजेंगे और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो राज्य ऐसे हैं जो AICC संगठन के रडार पर हैं और इस पे जो है संगठन में बड़ी गाज गिरने की भी संभावना है अस्मिता। तो अब कुल मिलाकर के जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश आ जाएगी और मध्य प्रदेश में जब आकर के अपने हार की समीक्षा करेगी और समीक्षा रिपोर्ट AICC को देगी तो कहीं ना कहीं अब फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल दुर्गेश, और इस तरह से काम करना जरूरी भी है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा, अगर इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, वजह नहीं जानी जाएगी, तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ पर पिछड़ी हुई नजर आएगी और लोगों की बातों से, और आखिरकार क्यों लोग कांग्रेस से इतने नाराज है कि वोट ही नहीं कर रहे, ये भी पार्टी को पता नहीं चल पाएगा। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस कमेटी से क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, क्या कुछ फैक्ट सामने निकल कर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे दुर्गेश। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां कांग्रेस अब हार को लेकर मंथन करने वाली है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है।